Bismillahirrahmanirrahim. guys. I hope that all of you are fine and well. And now I'm here to give you the lecture about the Mystics of Islam. The Mystics of Islam is a very precious and interesting book. I hope that all of you will enjoy this lecture. And before going to start our lecture, I want to request you that please subscribe my channel, like and share videos, and you should watch from beginning to end okay now we will discuss about first of all Athas biography and then introduction of the mystics of islam and today lecture or today lecture we will discuss about the details of the first chapter of the mystics of islam that is the path okay first of all we will discuss about arthur's biography the mystics of islam is written by R.A. nicholson इसका आथर कौन है आर ए निकल्सन है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट इस्लामिकर्स दर्ली ट्वेंटी वो एक इस्लामिक इस्लामिकर्स हैं अर्ली ट्वेंटी के ऑन एलिनटी अगस्त नाइनटीन फोर्टी वो कब पैदा हुए उनका फुल नेम क्या था रेनॉल्ड एलिन निकल्सन था वो अठारह अगस्त 1868 में पैदा हुए और ट्वेंटी अगस्त 1945 में उनकी डेथ हुई निकलसन वाज एन इमिनेंट इंग्लिश निकल्सन एक काबिल एहतराम इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट भी थे यानी एक आलम भी थे ही वाज स्कॉलर ऑफ बोथ इस्लामिक लिटरेचर एंड इस्लामिक मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म आप जानती ही हैं कि तसव्वुफ को कहते हैं हम मिस्टी दूसरा नाम है तसव्वुफ का तो वो एक स्कॉलर थे इस्लामिक लिटरेचर के भी और इसके साथ ही इस्लामिक मिस्टिसिज्म के भी स्कॉलर थे ही वॉज़ वाइडली रिगार्डेड एज़ वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स एंड ट्रांसलेटर्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज और उनका ताल्लुक़ किस चीज़ से था कि वो ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स भी थे और ट्रांसलेटर्स भी थे इंग्लिश लैंग्वेज में एंड ही प्रोवाइड्स जनरल रीडर विद एन इजी अप्रोच टू स्टडी ऑफ इस्लामिक मिस्टिसिज्म उन्होंने रीडर्स uh, को एक जनरल और इजी अप्रोच प्रोवाइड की इस्लामिक मिस्टिसिज्म की स्टडी के लिए दी वी कम टू इंट्रोडक्शन ऑफ़ द मिस्टिक्स ऑफ़ इस्लाम Nicholson's Mystics of of Islam was the the first book in the West which offers spiritual aspects निकलसन and वी फर्स्ट and sympathetic pictures of Islamic mysticism. निकलसन ने जो मिस्टिक्लाम एक बुक लिखी है ये फर्स्ट बुक थी वेस्ट में जो कि हमें ऑफर करती है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हमारे रूहानी जो पहलू हैं इस्लाम के उन चीज़ों को ऑफर करती है और प्रेजेंट करती है हमारे सामने लूसिड सिम्पैथेटिक पिक्चर इट मींस डेट क्लियर हमारे सामने एक वाजी और क्लियर पिक्चर हमें दिखाती है कि इसमें हम लोग जो है इस्लामिक uh, मिस्टिसिज्म में इसमें हम क्या देख सकते हैं ओके इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रीशियस बुक एंड इन दिस पीसीस बुक ही गिव्स अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ सूफिज्म एंड डिस्क्राइब्स द की प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स ऑफ द इनर लाइफ इस पीशियस बुक में क्या है ये हमें एक ब्रॉड आउटलाइन पेश करती है सूफिज्म की सूफिज्म क्या है एक पाथ है जो कि एक रास्ता है जिसे सूफी अख्तियार करता है सूफ़ी कौन होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि हर टाइम अल्लाह ताला को राज़ी करने में उसकी खुशी के लिए अल्लाह पाक की खुशी के लिए स्पिरिचुअल क्लोजनेस चाहता है अपने रब के साथ एंड डिस्क्राइब्स द की प्रिंसिपल्स और फिरोसोफिज़म के जो है ना इसमें हमें उसके की प्रिंसिपल्स दिखाती है ये बुक मैथड्स हमें इसमें मिलते हैं और करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स भी मिलते हैं जो कि इनर लाइफ के हैं एज़ इट हैज़ बीन लिव्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ एवरी क्लास एंड कंडीशन फ्रॉम द एट सेंचुरी ऑनवर्ड्स जैसा कि ये क्या है कि इसमें काफ़ी सारे मुसलमान जो है किस तरह के थे एवरी क्लास इसमें शो की जाती है उनकी कंडीशन शो की जाती हैं कि एट्थ सेंचुरी से आगे किस तरह से जो है ना इसका स्टार्ट हुआ इसका जैसा कि सूफिज्म आफ्टर दी डेथ ऑफ प्राफिट इसम यानी उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है इन सिक्स थर्टी टू तो उसके बाद जो है ना किस तरह से सदियां गुजरी और उनमें किस तरह से जो है ना लोग दरवेश फॉर्म में आए और इस तरह से नॉविल कम टू चैप्टर्स ऑफ मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम दुक मिस्टिक्स ऑफ ऑल इज दर तरीका इल्यूमिनेशन एंड एक्सटेसी एक्सटेसी क्या है हमारे पास एक ऐसी कैफियत है वान की जिसमें हम खो जाते हैं बिल्कुल हम उस रास्ते को अख्तियार करते करते उस रास्ते में हम इतना खो जाते हैं अपने रब की तरफ कि हमें दुनिया का होश ही नहीं रहता दि एंड देन, द डिवाइन लव दिफ्थ वन इज़ देंट्स एंड माइ एंड द लास्ट वन इज़ दी यूनिटी देर आर सिक्स चैप्टर्स ऑफ द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम डिटेल ऑफ़ दाथ दैट इज दस्ट चैप्टर ऑफ दिस्टिक्लाम इन नॉन फिक्शन ट्वेंटी सेंचुरी नॉन फिक्शन इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी द पाथ डील विद दस्ट पोर्शन ऑफ द्री फॉर्ड जर्नी पाथ क्या है ये डील करता है फर्स्ट पोर्शन के थ्री फोर्थ जर्नी को दी पाथ दी जिनोसिस एंड दी ट्रुथ बाय विच द क्वेस्ट ऑफ रियलिटी इज ऑफन सिम्बोलाइज कि इसमें रियलिटी की कितनी क्वेस्ट है हमारे अंदर कितनी तलाश है इस चीज को सिम्बलाइज किया गया है द पाथ इज द तरीका द वे ये एक रास्ता है इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट द मिस्टिकल पाथ ऑफ इस्लाम इस चैप्टर में राइटर हमें मिस्टिकल पाथ के बारे में बताता है जो कि इस्लाम का है कि तसव्वुफ किस चीज़ का नाम है मिस्टिकल पाथ तसव्वुफ को ही कहते हैं ओके द मिस्टिकल पाथ इस्लामिक मिस्टिसिज्म इज दैट व्हिच एम्फसाइजेस इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअल क्लोजनेस विद गॉड मिस्टिकल पाथ या फिर इस्लामिक मिस्टिसिज्म यानी इस्लामिक मिस्टिसिज्म, इस्लामिक तस्वुफ़ का जो रास्ता है वो क्या है ये एम्फोसाइज करता है इंट्रोस्पेक्शन की तरफ एंड स्पिरिचुअल क्लोजनेस विद गॉड कि एक इंसान के की और फिर अपने रब के साथ स्पिरिचुअल क्लोजनेस की तरफ जो माइल करते हैं उस रास्ते को हम मिस्टिकल पाथ का नाम देते हैं इट इज़ नॉट अ सेक्ट ऑफ इस्लाम एज़ इट इज़ समाइम्स मिसअंडरस्टूड कुछ लोगों के मुताबिक लोग इसे इस्लाम का एक फ़िरका समझते थे एक सेक्ट समझते थे जबकि ये मिसअंडरस्टूड कन्सैप्ट है ये रॉन्ग कन्सैप्ट है कि जो मिस्टिकल इस्लामिक मिस्टिसिज्म है ये कोई सेक्ट होगा ये कोई सेक्ट नहीं है बल्कि ये एक एक्चुअली ब्रॉडस्ट स्टाइल ऑफ वर्शिप है ये एक इबादत है इसका बहुत अच्छा स्टाइल है ये एक इबादत का इट इसम्स एक्चुअली ब्राडस्ट स्टाइल ऑफ वर्शिप दैट सेक्स, जो कि सेक्स को ट्रांसेंट करता है डायरेक्टिंग फॉलोअर्स अटेंशन इन और फॉलोअर्स की अटेंशन इन अपने रब की तरफ होती है ये हाईस्ट स्टाइल ऑफ वर्शिप है हमारा एक स्टाइल है इबादत करने का और ये बहुत ही हाईस्ट स्टाइल है जो कि अल्लाह पाक को बहुत पसंद है कि हम इस तरीके से अपने रब के साथ क्लोज होना चाहते हैं ये कोई इस्लाम का सेक्ट नहीं है Now we come to the who is Sufi. What is the path of the Sufi or Sufism? Sufi कौन होता है किस तरह का person होता है The Sufi is the man who sets out to seek God. Sufi एक ऐसा इंसान है जो कि हर वक्त अपने रब की तलाश में रहता है He calls himself a traveler. वो अपने आप को एक traveler का नाम देता है ही एडवा ट्रेवलर को हम दूसरे टर्म में उसे उसेम के टर्म में उसे सालिक का नाम भी भी दिया गया है ही एडवास बाय स्लो स्टेजेस स्टेज मकामंग पाथ तरीकत टू गोल ऑफ़ यूनियन विद रियलिटी फनाफिल हक यानी उसने थ्री स्टेजेस कंप्लीट करनी होती हैं फर्स्ट ऑफ आल इज दलिकेन दिल हक ये एक एक साल का दरोनिया होता है यानी थ्री इयर्स पीरियड होते हैं कि वो इन स्टेजेस को कंप्लीट करेगा पहले वो अपने आप पर अपनी नफ्स पहले वो लोगों की खिदमत करेगा उसके बाद वो अपने नफ्स पर काबू पाएगा किस तरह से उसने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है एंड देन वो अपने रब की खिदमत करेगा और इस तरह से जो है ना वो अपने रब को पालेगा दि सूफी सूफिज्म पाथ ऑफ सूफी यानी वो रास्ता जो एक सूफ़ी इंसान अख्तियार कर लेता है उसे हम सूफिज्म का नाम देते हैं या फिर उसे तस्वुफ़ का नाम देते हैं पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ सूफी मास्टर इज करेक्टराइज बाय एन अनटायरिंग मिस्टिकल सर्च फॉर यूनियन विद डिटी एंड आर ऑफ़ क्रिएशन पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ सूफ़ी मास्टर यानी एक सूफी मास्टर की पर्सनल जती जो स्पिरिचुअल लाइफ है जो रूहानी ज़िंदगी है वो करेक्टराइज की जाती है बाय एन मिस्टिकल ट वो कभी भी अपने रब की तलाश से थकता नहीं है फॉर यूनियन विविनिटी एंड आल ऑफ़ क्रिएशन के वो अपने रब के साथ इस यून के लिए इस इबादत के लिए उस क्रिएशन के लिए वो कभी भी थकता नहीं है वो इंसान हमेशा उसकी, उसकी अन टायरिंग एफर्ट्स होती हैं ओके नाउ देयर इज स्टेज ऑफ सूफिज्म दैट व्हाट आर द स्टेजेस हाउ मेनी स्टेजेस देयर आर सेवन स्टेजेस ऑफ सूफिज्म बाय द ऑथर ऑफ किताब अल लुमा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल रिपेंटेंस रिपेंटेंस इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सूफिज्म जब आप तोबा कर लेते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप वो गुनाह रिपीट ना करें रिपेंटेंस वो एक्ट है कि मेरे रब ने खुद कसम खाई है जब शैतान ने कहा है कि मैं जो है ना बार बार तेरे बंदू को हमेशा मैं बहलाता रहूँगा तो मेरे रब ने क्या कहा मेरे रब ने कसम खा के कहा कि मेरे बंदे जितनी बार भी मुझसे तोबा करेंगे मैं उन्हें उतनी दफा ही माफ करूंगा तो रिपेंटेंस एक ऐसा एक्ट है कि हमें चाहिए जब हम तोबा कर लें एक गुनाह से तो हम वो दुबा वो गुनाह दोबारा रिपीट ना करें वो सीन हम कमिट ही ना करें एंड देन एब्सटीनस रिपेंटेंस के बाद वो स्टेज आती है एबसटीनस की कि जिसमें हम अपने आप पर काबू पाते हैं हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं एंड देन रिनंशियशन रिनन्सिएशन इज द थर्ड स्टेज ऑफ सूफिजम रिनंसिएशन क्या है कि जो चीज़ें हमारे रब को हमारे खुदा को पसंद नहीं हैं वो हम रिजेक्ट कर देंगे रिजेक्शन ऑफ समथिंग, रिजेक्शन ऑफ वर्डली थिंग्स इज रीनाशन रिनंसिएशन में हम वर्डली चीज़ों को खत्म कर देते हैं हम वर्डली बेनिफिट्स छोड़ देते हैं हम सिर्फ अपने अल्लाह के लिए करते हैं जो भी करते हैं एंड देन पोवर्टी पोवर्टी क्या है पोवर्टी इज़ माय प्राइड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पोवर्टी इज़ माय प्राइड कि पोवर्टी क्या है मेरा गुरूर है कि जब मेरे पास पोवर्टी होगी तो मैं अपने रब को याद करूँगा तो इसी तरह से ये फोर्थ वन स्टेज है जैसे हम ये स्टेजेस जो हैं नंबर वाइज ऐसे ही चलेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिपेंटेंस लेंगे नेक्स्ट वन इज द एब्सटिन एंड देन रिनंसिएशन इट मींस रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स नेक्स्ट वी कम टू द पॉवर्टी कि हमें दुनिया की जो चीज़ें हैं आसाइशें हैं वो हमें चाहिए ही नहीं एंड देन वी कम टू दी पेशेंस पेशेंस का है हमारे पास सब्र होना चाहिए जो चीज़ है हम उस पर अल्लाह तुक्र अदा करें जो नहीं है हम उसे छोड़ दें हम उसे ना मांगें जिस तरह से राबिया बसरी से किसी ने कहा कि क्या हम अगर गुनाह करें और फिर उसके बाद तोबा करें तो क्या हमारा रब हमें माफ़ कर देगा तो उसने कहा बिल्कुल आप फिर वो गुनाह दोबारा कमिट ना करें जब आप अपने रब से तोबा करें तो आपका रब आपको जरूर माफ़ कर देगा क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं अब मेरे बंदे जितनी बार मुझसे तोबा करेंगे मैं उसे माफ़ करूंगा उन्हें माफ करूंगा हमेशा तो क्या है कि हमारे पास सब्र भी होना चाहिए ओके एंड देन वी कम टू ट्रस्ट इन गॉड कि हमें अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए जब हम कह रहे होते हैं ना कि आ, हाँ ये ये काम तो मैंने अपने रब पे छोड़ दिया है और लेकिन हम फिर उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं बार बार क्यों सोच रहे होते हैं जब हम एक चीज़ के बारे में अपने अल्लाह पे भरोसा कर चुके हैं तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं तो इट मीनस हमारा ट्रस्ट ही नहीं है लेकिन जब हम ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करेंगे तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए जो हमने अपने रब पे छोड़ दी है कि वो तो अल्लाह ही मालिक है ना उस चीज़ का तो वो हमारा मसला हल हो जाएगा जब हमने छोड़ा ये अपने रब की जात पे है तो इसी तरह से एंड देन सेटिसफेक्शन तब क्या आता है हमारे पास सेटिसफेक्शन यानी हम मुतमयन कैसे होते हैं फिर जब हम ये सब काम अपने रब के पर ट्रस्ट कर लेंगे इस तरह से तो फिर हम सेटिस्फाई भी हो जाएंगे जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर ये एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें हमें अपने रब के शुक्राने के अलावा और कुछ नहीं आता हम चाहते हैं कि हम अपने रब की हर नेमत का शुक्र अदा करें और हमें चाहिए भी कि हम अपने रब की हर नेमत का शुक्र अदा करें तो इसी तरह से ये स्टेज जो है कंप्लीट होती हैं और जिस तरह से पोवर्टी देखें अगर तो जो है दो सूफ़ी थे उनमें से एक इंसान ऐसा था कि जिसके पास यानी दो ड्रेस थे कि कहीं आने और जाने के लेकिन एक ऐसा सालिक पर्सन था जिसके पास ऐसा सूफी था जिसके पास सिर्फ़ एक ड्रेस था तो उनमें से कौन सा वो हुआ जो अपने रब को ज़्यादा प्यारा होगा यानी जिसके पास एक ट्रेस था कि वो उसमें भी खुश था तो इसी तरह से ये स्टेजेस जो हैं हमने फॉलो करनी होती हैं ओके नाउ वी कम टू द स्टेट्स ऑफ ए सूफी देयर आर टेन स्टेट्स ऑफ ए सूफी पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन मेडिटेशन क्या है गौर व फिक्र है यानी हम अपने रब के लिए किस तरह ग़ौर करते हैं फ़िक्र करते हैं अल्लाह ताला ने हमें एक किताब दी है उसका नाम कुरान पाक है तो हम जब उसे पढ़ेंगे उसके तर्जमे को देखेंगे क्योंकि वो एक अरबिक बुक है तो हम जब उसके तर्जमे को देखेंगे और हर इंसान अरबिक नहीं जानता तो इसी तरह से जब हम उसके तर्जमे को देखेंगे पढ़ेंगे तो फिर हम गौर करेंगे फ़िक्र करेंगे कि कौन से काम ऐसे हैं जो हमने करने हैं कौन से ऐसे हैं जो हमने नहीं करने एंड देन नियरनेस टू गाड और फिर हम अपने रब के नज़दीक हो जाएंगे एंड देन वी कम टू दी लव और फिर हम लवर बन जाएंगे अपने रब के जब हमें अपने रब से प्यार हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे अंदर एक आ, फियर यानी हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाएगा कि हम अगर ये काम करेंगे तो शायद हमारे रब को ये पसंद ना हो तो हो सकता है हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए तो इस तरह से जब हमारे अंदर फेयर क्रिएट होगा तो फिर हम वो गलत काम ही नहीं करेंगे हम कोई sin कमेट ही नहीं करेंगे अगर कोई हमसे हो भी जाता है तो हम फौरी तौर पर रिपेंटेंस रिपेंटेंस की तरफ जाएंगे, हम तोबा की तरफ जाएंगे। एंड देन वी कम टू द होप होप क्या है कि हमें अपने रब से उम्मीदें होती हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड देन वी कम टू दी लॉन्गिंग लॉन्गिंग है हमारे रब के नज़दीक यानी हम किस तरह से लॉन्नेस अख्तियार कर लेते हैं एंड देन इंटीमेसी एंड ट्रैंक्विलिटी कंटेपलेशन एंड सर्टेनिटी दीज स्टेट्स आर कॉल्ड हाल और अहवाल इन्हें हम हाल या फिर अहवाल का नाम भी देते हैं ये कीफियात होती हैं जो कि एक इंसान को अपने ऊपर तारी करती को तारी करनी होती है इनकी फियाज को यह हम ख़ुद से इन्हें एक्वायर करने की कोशिश नहीं करते बल्कि ये हमारे अंदर ख़ुद बहुत एक के बाद एक पैदा हो जाती है ठीक है तो इस तरह से कि किस तरह से हम फिकर करते हैं चीज़ों को और फिर हम किस तरह से मुतमैन होते हैं हमें यकीन हो जाता है कि हम अपने रब के नज़दीक हैं ओके अब हम आते हैं डिफरेंस की तरफ जो कि स्टेज और स्टेट के दरम्यान है

जो स्टेट्स हैं स्टेट्स आर स्पिरिचुअल फीलिंग्स ये हमारे रूहानी अहसास हैं हमारे रूहानी जज्बात हैं एंड डिस्पोजिशंस ओवर विच ए मैन हैज़ नो कंट्रोल कि इंसान इनमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ये स्टेट्स हमारे अंदर हमारे ऊपर ख़ुद बहुत तारी हो जाती हैं कैफियात होती हैं देर डिस फ्राम गॉड इन टू हिज़ हार्ट विदाउट इज़ बींग एबल टू रिपेल दैम वैन दे कम आर टू रिटेन दैम वन दे गो के देर डिस फ्राम गाड अल्लाह पाक की तरफ से ये डिसेंड किए गए, इन टू हिज़ हार्ट उसके दिल में विदाउट हिज बींग एबल टू रिपेल दैम कि इन्हें रिपेल किया जा सके वन दे कम आर टू रिटेन दैम वन दे गो कि किस तरह से ये आए और फिर रिटेन दैम इन्हें किस तरह से रिटेन करें वन दे गो जब ये चले जाते हैं अब हम आते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि एक सूफी पर्सन अप्रोच करता है अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने मकसद को अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए दी मेथड बाय वे सूफी अप्रोच हिज गोल सूफीज पाथ इज नॉट फिनिश्ड अनटिल हैज ट्रेवेस्ट ऑल सूफी पर्सन का जो रास्ता है वो कभी भी फिनिश नहीं होता जब तक कि वो उन स्टेजेस को मुकम्मल नहीं कर सकता मेकिंग हिम सेल्फ परफेक्ट कि वो अपने आप को जब तक परफेक्ट नहीं कर लेता इन एवरी वन ऑफ ट बिफोर एडवांसिंग टू नेक्स्ट जिस तरह से हमने स्टेजेस को पढ़ा है वन बाय वन जब तक वो सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं करता तब तक वो अपने गोल को अपने ऑब्जेक्टिवस को हासिल नहीं कर सकता एक्वायर नहीं कर सकता एडवा एंड हैज हैज्सो एक्सपीरियंस वट एवर स्टेट इट प्लीज गॉड टू बेस्ट टू अपॉन हिम तो और फिर वो जो स्टेट्स हमने हाल अहवाल यानी वो जो किफ़ियात हैं वो भी उसने किस तरह से अपने ऊपर तारी करनी है क्योंकि वो उसके रब को ख़ुशी पहुंचाती हैं वो जो स्टेट्स हैं जब वो उसके अंदर पैदा हो जाएंगी तो उसके रब को भी खुशी होगी वो भी उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा देन एंड ओनली देन ही इज़ ही परमानेंटली रेज टू दी हायर प्लेज ऑफ़ कॉन्शियसनेस विच सूफी कॉल दि जब ये सब वो कम्प्लीट कर लेगा तो फिर वो परमानेंटली वो किस प्लान में चला जाएगा कॉन्शियसनेस के वो है दि जनोसिस एंड द ट्रूथ हकीकत वेयर द सीकर सीकर इट मीन तलाश करने वाला तालिब बिकम्स द नोअर आरिफ, वो सब कुछ तब जानेगा अपने रब की कुदरत को जब तक वो ये सारी स्टेजेस कंप्लीट कर लेगा एंड रियलाइजेज दैट नॉलेज नोअर एंड नॉन आर वन और फिर उसे इस चीज़ का एहसास होगा कि नॉलेज नोअर एंड नॉन इलम जानने वाला और फिर जो जाना जाए वो सब एक ही है ओके okay.

फिर वो ये सोचता है कि दे इज़ अ मैन एन एलिमेंट ऑफ ईवल कि एक इंसान के अंदर इवेल का बैडनेस का एलिमेंट होता है द लोअर आर एपटाइटिव सोल कि उसके अंदर एक सोल होती है भूकी रूह जिसे हम कहते हैं कि यानी जब किसी इंसान के अंदर इस तरह से अपटाइटिव सोल हो जाए तो फिर क्या होता है जब हमारे अंदर एक ईवल चीज़ क्रिएट हो जाती है कि हमने इसे पाना है तो हमें शैतान के बहकार रहा होता है तो इस तरह से ये हमारा नफ्स होता है कि नफ्स के अंदर हमें जो है ना ग़लत हमें हमारा नफ्स ग़लत चीज़ों की तरफ ले जाता है समटाइम्स लेकिन हमें फिर तकवा किस चीज़ का नाम है परहेजगारी किस चीज़ का नाम है जब तक हम तकवा नहीं अख्तियार कर लेंगे तो हम इन स्टेजेस को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे दिस इवेंट सेल्फ

के यूनियन में कि वो किस तरह से जब अपने रब के साथ यूनाइट होना चाहते हैं तो फिर क्या होता है ये सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही होती हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़ने से जो है ना हम अपने रब के साथ क्लोज हो जाएंगे दी प्रॉफिट सेट द वर्स्ट एनिमी इज दफ्स विच इज बिटवीन दाई टू साइड दर्स्ट एनिमी यानी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका नफ्स है जो कि दो साइड्स में होता है आपकी आपको दोनों रास्ते दिखा रहा होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और जो नेगेटिव की तरफ जब आपको ले जाएगा तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका नफ्स होगा ओके वी कम टू दी मोर्टिफिकेशन ऑफ दी नफ्स मोर्टिफिकेशन क्या है शेम है ओके okay. कि हम जब हमारे नफ्स के अंदर शेम शर्मिंदगी पैदा हो जाएगी तो फिर हम जो है ना अपने रब के बारे में ज़रूर सोचेंगे मोटिफिकेशन ऑफ नफ्स इज द चीफ वर्क ऑफ डिवोशन एंड नीड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दाइफ ये हमें फिर डायरेक्टली और फिर या फिर इनडायरेक्टली ले जाता है कंटेम्पलेटिव लाइफ की तरफ यानी सोचो फिक्र वाली ज़िंदगी की तरफ आल हु नेगलेक्ट्स दिस ड्यूटी विल एवर लर्न द ऑफ दूडीमेंट्सम जब तक कोई भी शागिर्द हमारा ये जो शेख होते हैं यानी जो पीर होते हैं जो हमें गाइड करते हैं इस तरह से कि अल्लाह ताला के साथ किस तरह हमें क्लोजनेस अख्तियार करनी है तो वो इस चीज़ पर एग्री करते हैं जो सूफ़ी पर्सनस हैं वो कहते हैं कि कोई भी शागिर्द जो कि नेगलेक्ट करता है नेगलेक्ट करता है यानी इन सब चीज़ों को छोड़ देता है डिनाय करता है परहेज़ करता है इन सब ड्यूटीज से विल एवर लर्न द रूडिमेंट्स ऑफ सूफिज्म वो हमेशा लर्न करेगा सूफिजम के रूडिमेंट्स उसके रूल्स उसके प्रिंसिपल वी कम टू दिंसिपल ऑफ मोटिफिकेस द प्रिंसिपल ऑफ मोटिफिकेसन इज दैट दिन शुड बी वीन फ्राम दोज दैट ज करती हैं, मना करती हैं हमें हमारे पैशंस को कि हम ये ना करें तो वो इसका ये प्रिंसिपल होगा कि हम वो सब चीजें छोड़ दें डेट इट्स प्राइड भी ब्रॉड एंड ट्रिबुलेशन हमारा जो गरूर होता है, तो होता है वो हमें किस चीज की तरफ ले जाता है सफरिंग की तरफ ले जाता है ट्रिबुलेशन हमारे पास मसाइब आते हैं हम मुश्किल का शिकार होते हैं टू रिकोग वालस औरिजनल नेचर एंड दम्प्योरिटी ऑफ़ इट्स एक्शन हम इन सब चीज़ों को रिकोगनाइज ही नहीं कर पाते औरजिनल नेचर को जब तक हम अपने गुरु को तकबर को छोड़ नहीं देंगे दर्ड मैथड्स ऑफ मोटिफिकेशन आर फास्टिंग साइलेंस एंड अनिट्यूड फास्टिंग होनी चाहिए साइलेंस होनी चाहिए हम हर वक्त बोले ना हम साइलेंस अख्तियार करें गलत बातें ना करें एंड सोलिट्यूड लोनलीनेस हम अख्तियार कर लें अपने रब के साथ क्लोजनेस कर लें ओके वट इज़ फॉर फारूफिस सूफिज्म यानी जो सूफ़ी पर्सन थे उनका तो्क्ल किस चीज़ का था उनका बिलीव क्या है सोफिस बिलीव इन तवक् सूफ़ी जो है तोल पर बिलीव करते हैं हम अपने रब के यानी बिलीव करते हैं दे डिफ़ाइन तोल एज़ एन हेबिचुअल स्टेट ऑफ माइंड वो तोल को एक हैबिचुअल स्टेट ऑफ माइंड के तौर पर डिफ़ाइन करते हैं विच इज़ इम्पेयर्ड ऑनली बाई सेल्फ प्लीजिंग थाट्स जो कि इम्पेयर्ड है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्लीजिंग थाट्स जो हमारे सेल्फ को खुशी दें ऐसी थाट्स फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अकाउंटेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक ऐसा ये इस तरह से अकाउंट किया जाता है जैसे कि एक सुराख होता है ट्रस्ट का टू थिंक पैराडाइज हम इस तरह से सोचें कि जो पैराडाइज है मोर डिजायरेबल प्लेस है देन हेल जन्नत मोर डिज़ायरेबल है हमारे लिए जन्नत की हर इंसान ख्वाहिश करता है लेकिन क्या है हम काम वैसे नहीं कर पाते तो इस वजह से ये कहा जाए अगर हम ये सोचें कि जन्नत जो है वो हमारे लिए मोर डिज़ायरेबल प्लेस है जहन्नम में जाने से तो हम जो है तवक्कुल कर लेंगे अपने रब की जात पे और फिर हम अच्छे काम भी करेंगे द हाइस्ट मोरेटी स्प्रिंग्स फ्राम लव एंड धिक्र इट मीनस ज़िक्र कि हम अपने रब का ज़िक्र करें अपने रब से ही प्यार करें ये हाइस्ट मोरेटी है Now we come to the term dhikr or zikr. The term dhikr, recollection signifies mentioning, remaining, or simply thinking of. अपने रब के बारे में सोचना, उस जात का जिक्र करना. The first stage of dhikr is to forget self. First stage क्या है जिक्र की? कि हम अपने आप को भूल जाएं. And the last stage is the effacement of the worshipper in the act of worship. कि हम अपने आप को भूल जाएं और उसमें ही खुद को मिक्स कर दें कि अपने रब की हमने इबादत करनी है विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ वर्शिप हम ये सोचें ना कि हम इबादत कर रहे हैं एंड सच अब्जॉर्बशन हम उसमें इतना जज्ब हो जाएं इन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप अपनी इबादत के मकसद के लिए एज़ प्रिक्लूड्स रिटर्न टू द सब्जेक्ट देयर ऑफ हम अपने रब की इबादत में इस तरह से मसरूफ हो जाएं कि हम ये भी ना सोचें कि हम इबादत कर रहे हैं जिस तरह से हम कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल उससे हम भूल जाएं कि हमने नेकी क्या किया है क्योंकि जब हम नेकी करेंगे हम ये सोचेंगे कि हमने नेकी की है तो फिर हमारे अंदर गुरूर पैदा हो जाएगा तकबर पैदा हो जाएगा हम तकबर ना करें और इस चीज़ को सोचें ही ना इतने हम अपने आप को अब्जॉर्व कर लें इस चीज़ के अंदर ओके नाउ वी कम टू दी कंक्लूजन टू समिक्स ऑफ इस्लाम इज ए बुक that has six chapters and in this book we have to discuss the first chapter of the mystics of islam that is the path it's very interesting chapter the first chapter is the path which we have discussed in this chapter we have discussed about sufi the path of a sufi stages states and all these we have discussed in the path that is written by रिनॉर्ड एलन निकल्सन ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स दी अर्ली ट्री ओके स्टूडेंट्स एंड आई होप इट्स क्लियर टू आल ऑफ यू अगर आपको ये समझ नहीं भी आती तो आप इस वीडियो को बार बार देखें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रीशियस बुक आप ये बुक खुद भी रीड कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ओके अल्लाह हाफिज़